रायसेन में सुबह तिवारी परिवार के 5 सदस्य अपनी प्राइवेट कार से भोपाल जा रहे थे। अज्ञात कारणों के चलते जाखा पुल से पहले मोड़ पर गाड़ी अचानक पलट गई, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली थाना प्रभारी रायसेन द्वारा जानकारी दी गई कि 2 लोगों में भव्या 6 वर्ष और लली 25 वर्ष गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं 3 लोग प्रियंका 28 वर्ष, मिस्टी 5 वर्ष और प्रियंका 28 वर्ष को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।